किया है यूडीसी का, अपर डिविजनल क्लर्क का, और ये पेपर यूटीएस के जरिए 9 अगस्त 2020 को हो चुका है, कल ही हो चुका है ये पेपर। एमएलसी मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट, और आज इसका पार्ट 3 है। इसका दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। आज शुरू करते हैं इंग्लिश पार्ट को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक इस पैराग्राफ से दिए गए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली देन आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपने केयरफुली रीड करना है, और इसके नीचे जो आंसर क्वेश्चंस दिए गए उसके आंसर्स देने हैं। तो इंग्लिश में चलते हैं, मैं वहाँ पर भी पैराग्राफ लिख चुका हूँ, यहाँ पर हम आसानी से इसको रीड कर लेते हैं। मैं नहीं रीड करूँगा क्योंकि अगर मैं रीड करना शुरू करूँ तो पूरी एक वीडियो इसी पर ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा आपने इसको खुद रीड करना है, आहिस्ता आहिस्ता केयरफुली हर लफ्ज़ को समझना है, हर मुश्किल अल्फाज को के मानी को समझना है, कोशिश करें, इसके साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो पैसे जो है ना, एक्चुअली ये बेरोजगारी के बारे में है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक स्लैक। तो इस पैराग्राफ को आप कोशिश करें स्लोली और अच्छी तरह केयरफुली रीड करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर करके इसको रीड करें आखिर तक। ये देखिए यहाँ तक आपने इसको रीड करना है, यहाँ तक। अब आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 61 के इसका आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इस पैसेज के मुताबिक जो ऊपर दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्लैक इज एन इंडेक्स ऑफ। अनएम्प्लॉयमेंट किस चीज का इंडेक्स है? इकोनॉमिक स्लैक एंड लॉस। और ये पहले ही लाइन में ये लफ्ज दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट इट इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक स्लैक एंड लॉस आउटपुट। और क्वेश्चन नंबर 62 देखें, इसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है कि व्हाइल अनएम्प्लॉयमेंट इज डैमेजिंग टू मेनी, इट फॉल्स मोस्ट हैवीली अपॉन ऑल एक्सेप्ट द व्हाइट मिडिल क्लास। व्हाइट मिडिल क्लास ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी पैसेज का, द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी मेजर्ड बाय ऑल एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी, इट कैन बी मेजर्ड बाय ऑल लॉस्ट इनकम आइडलनेस बट द डेथ रेट वी कैन नॉट मेजर बाय द डेथ रेट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और इसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन एज अ होल 64 है, सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स वल्नरेबल ग्रुप्स टू डिमांड। तो इसमें मोर जॉब्स बाय हैविंग एवरीवन वर्क शॉर्टर जॉब ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और आखिर क्वेश्चन इसी पैसेज का 65 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अ टिपिकल बिजनेस और रिएक्शन टू अ रिसेशन इज टू प्रेस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों दिया गया है कि देखिए इंस्ट्रक्शन को रीड करें, एक वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम उसको कहते हैं हम मानी अल्फाज का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 इरेंड,
किरण की मानी क्या है, ये एक अशॉर्ट जर्नी टू फाइंड समथिंग, टू इन्वेस्टिगेट अबाउट समथिंग, तो इसको हम मिशन भी कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 67 देखें, 67 नंबर क्वेश्चन, लेथर्जी, लेथर्जी की मानी क्या है दोस्तों, सुस्ती या जो बंदा नींद के हालत में हो ना तो सुस्ती होता है, तो इसके हम मानी लफ्ज लेजीली ऑप्शन ए है। ये ऑप्शन बी भी थोड़ा बहुत मिलता है, इम्पैसिविटी, पैसिव और इम्पैसिविटी, लेकिन द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 देखे, टर्मिनेट, टर्मिनेट के माने खत्म कर देना, जिस तरह जॉब में होता है किसी को अगर टर्मिनेट किया जाए तो इसका मतलब है कि उसको डिसमिस कर दिया गया है, तो इसके हम मानी लफ्ज ऑप्शन बी है। यहाँ पर एक लफ्ज है सस्पेंड, सस्पेंड की मानी है दो चीजों के दरमियान मुअल्लिक रहना, बाद मुलाजमीन को सस्पेंड किया जाता है तो उसको सस्पेंड का मतलब है कि न तो उनको ड्यूटी पर रखा जाता है और न उसको डिसमिस, इन दोनों के दरमियान कुछ दिनों के लिए, तो फिर री इंस्टेट हो सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 अक्यूज, इल्जाम लगाना, तो इसमें नियर मीनिंग, इसकी नियर मीनिंग के लिए जो लफ्ज है इम्पीच है, ऑप्शन डी है। और 70 नंबर क्वेश्चन को देखें, 70 टीडीएस, क्वेश्चन नंबर 70 जो है ना टीडीएस, इसके हमारी लफ्ज जो है टीडीएस, बंदा जो टायर्ड सम, ऑप्शन ए इसकी अमानी लफ्ज है। और फिलिंग द ब्लैंक से कुछ 71 से 75 तक देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, शी सक्सीडेड बाय हार्ड, तो वो कैसे कामयाब हुई, बाय वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत से, ऑप्शन बी यह लगता है, शी सक्सीडेड बाय वर्किंग हार्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 72, कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन जॉब्स तो काम को कहते हैं ऑन संडे, तो इसके मानी है दोस्तों टू डू, डू सम जॉब ऑन संडे, यह करेक्ट। अब ये क्वेश्चन मैं दो पेपर में ऑलरेडी भी देख चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, 73, आई इंजॉय टेनिस, आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए मैं इंजॉय करता हूँ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 74 देखें, 74 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव बसेस, इन बसेस, ऑप्शन डी लगता है यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 75 देखें, 75 नंबर क्वेश्चन को, द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन 8 to 7, 8 to 7 यानी फ्रॉम 8 to 7, 8 to 7, ऑप्शन बी लगेगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होते हैं, तो इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो जो दोस्तों को पसंद आए, समझ गए, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।